लेकिन वंशों का कर्म बेकार हो सकता है, वक्ती तौर पे मकबूल हो गया हो, लेकिन आज हम राजवंशी को और टोबाटेसी को किस तवज्जो से पढ़ते हैं, किस एप्रिसिएशन के साथ पढ़ते हैं, किस तहसीन के साथ पढ़ते हैं, उतना हम दूसरे अफसानों को नहीं पढ़ते। मैंने माफ कर दीजिएगा मुझे, मैंने पेशावर एक्सप्रेस का नाम ले लिया। मैं जानता हूँ बाद हमारे दोस्तों को और बाद लोगों को पेशावर एक्सप्रेस बहुत ज़्यादा पसंद है। अब जाहिर है पसंद नापसंद का मामला जो है ये बहुत ही सब्जेक्टिव है और आदमी की शख्सियत के तनाजुर में ये बदलता रहता है। किसी को बिरयानी अच्छी लगती है तो किसी को खिचड़ी में बिरयानी से ज़्यादा लुत्फ आता है। ये तो अपनी अपनी पसंद और नापसंद है, अपना अपना ज़ौक और दर्द है। मैं अपनी गुफ्तगू को महदूद करते हुए सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ, मकाले के सिलसिले चंद बातें अर्ज करना चाहता हूँ। मकाले से मुराद ऐसी तहरीर है जिसमें किसी भी मौजू पे मौजूदियत, कतियत, वजाहत और इस्तदलाल के साथ लिखा गया हो, चाहे वो मौजू सोशल साइंस से मुतल्लिक हो, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, समाजी उलूम के जो सब्जेक्ट हैं उनसे मुतल्लिक हो, आर्ट से मुतल्लिक हो, फनून लतीफ़ा से मुतल्लिक हो, या साइंसी मजामी से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बॉटनी से और बायोलॉजी से मुतल्लिक हो, मकाला जब हम कहेंगे तो मकाले का हमारे जहन में एक तसव्वुर होता है। मकाले से मुराद खासतौर से आपका सादा सब जानते हैं, तालिब इल्मों से मेरा रुए सुपन है। मकाले से मुराद ऐसी तहरीर है जिसमें मारूदियत, कतियत, वजाहत और इस्तदलाल के साथ इजहार ख्याल किया गया हो, इसीलिए वो इंशाइये से मुख्तलिफ है। इसलिए कि इंशाइये में अब आदमी अपना ज़ाती नुक़्ते नज़र पेश करता है। उनका यह है ख्वाजा हसन निज़ामी का गुलाब तुम्हारा और कीकर हमारा, तो उनका ज़ाती नुक़्ते नज़र है ना, हम तो गुलाब को पसंद करते हैं, कीकर को तो नहीं पसंद करते, लेकिन तो इंशाइये में तो ज़ाती नुक़्ते नज़र या अपने दिल से कोई बात पैदा कर देना उसकी गुंजाइश होती है। मकाले में अपने दिल से कोई बात नहीं पैदा करते, बल्कि हम किसी प्रॉब्लम को उठाते हैं, किसी मसले को उठाते हैं, उस मसले से मुतल्लिक ज़रूरी मालूमात हम इकट्ठा करते हैं और उन मालूमात का तज़ज़िया करके कि इसमें सही इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है कि नहीं आई है, तज़ज़िया करके रिवायत और दिरायत की कसौटी पर उसको रख के और कुछ दलाइल हम इस्तेमाल करके और आखिर में क्या करते हैं, नतीजा निकालते हैं, किसी कंक्लूड करते हैं। नतीजा निकालना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए बादलों ने कहा मकाला ऐसी तहरीर है जिसमें किसी मौजू को उठाया जाता है, उससे मुतल्लिक मवाद को जांचा और परखा जाता है, इकट्ठा किया जाता है और फिर किसी नतीजे पे दलायल के साथ पहुँचा जाता है। वो या इस्तदलाल बहुत ज़रूरी है, यहाँ जज्बातियत या इंशाइये वाला अंदाज काम नहीं आता। और मकाले के सिलसिले में सबसे बड़ी बात हम असाध्य भी कभी कभी भूल जाते हैं और रौ में बहत जाते हैं। हमें जाना है पटना, ठीक है, पैसेंजर ट्रेन में ही बैठ गए थे हम, आज नहीं तो कल तो पटना को पहुंच जाएंगे ना, लेकिन हम राजधानी में बैठ गए और जो कलकत्ते को जाती है तो हम कहाँ पहुँचेंगे, जितनी तेज जाएगी वो अपोजिट डायरेक्शन, जो हमारा मकसद नहीं था। तो मकाले की पहली और बुनियादी शर्त यह है कि वो जामे और माने हो। जामे और माने की तीसरी सीढ़ी बच्चों के लिए मैं बता दूंगा, साझा आप सब जानते हैं, जामे और माने की सीधी तारीफ यह है कि जिस मौजू पे आप लिख रहे हैं मकाला, उस मौजू से मुतल्लिक ज़रूरी मालूमात को, ज़रूरी बातों को आपने जमा कर दिया और जो बातें आपके मौजू से बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं रखती है उन बातों को मना कर दिया, यानी उन बातों को आपने नहीं लिखा। बच्चों से पूछा जाता है गालिब की गज़ल गोई की खसूसियात लिखो, इम्तहान में सवाल आ गया, लड़के ने क्या किया, पहले तो ढाई सफे में गालिब के सवाल ही हालात लिखे, बड़ी अच्छी बात है, बड़े बड़े असातिज़ा को उतना याद नहीं होगा गालिब की लकी लाइफ हिस्ट्री के स्टूडेंट ने लिख दिया, बहुत ज़रूरी इंफॉर्मेशन थी। लेकिन यहाँ इस सवाल के जवाब में वो बात ज़रूरी नहीं थी, सीधे सीधे गज़ल गोई की खसूसियत पूछा गया है इम्तहान में, आप उनकी गज़ल गोई पर बात कीजिए, लंबी चौड़ी तमहीज की ज़रूरत नहीं है।
तो मकाली के लिए पहली शर्त है कि वो जामे हो और माने हो, यानी मौजू से मुतल्लिक जो बातें ज़रूरी हैं, जिनका जिक्र ज़रूरी है, उन बातों का बयान होना चाहिए। जो बातें मौजू से बराह रास्त ताल्लुक नहीं रखती हैं, उनका जिक्र बिल्कुल नहीं होना चाहिए, चाहे वो बातें कितनी अहम हों, कितनी काबिल कदर हों, कितनी रेलिवेंट हों, उनका जिक्र नहीं होना चाहिए। तीसरी बात मैं ये अर्ज करूँगा मकाले के सिलसिले में, बच्चों आप लोग मकाला लिखेंगे और शाहिना और सबीहा खासतौर से इन लोगों से बहुत तवक्को है और लोगों से भी और तालिबात से भी, कि जब आप मकाला लिखेंगे तो इन बातों को आप ज़रूर पेश नगाह रखिएगा, एक बात। दूसरी बात ये जामे माने की तो मैंने अर्जी कर दी। तीसरी बात ये कि दूसरों के इक्तबासात से तकिया नहीं करना चाहिए। बार बार इबादत पर भी ये फरमाते हैं, फरमान फतेह पूरी ये फरमाते हैं, मौली अब्दुल रब ये फरमाते हैं, अरे तुमको क्या फरमाना या करना है वो बताओ ना। आप अपने मजमून को, अपने मकालों को दूसरों के कोटेशन से भर रहे हैं, भर रहे हैं। आप अपनी बात कीजिए ना, आपके पास करने के लिए जो बातें उनको कहिए। देखिए कोटेशन या इक्तबासात विद इन इन्वर्टेड हम कब नकल करते हैं, जब हमें किसी राइटर को कंट्राडिक्ट करना हो, यानी उसके बाद से इख्तलाफ जाहिर करना हो, या किसी न किसी पहलू पे हमें उससे उसके ख्याल से सपोर्ट हासिल करना हो। मैंने एक रिसर्च स्कॉलर का एक चैप्टर देखा तो मुझे बहुत हंसी आई। ये लिखा था कि सैयद अब्दुल्ला भी मेरे ख्याल से इत्तेफाक करते हुए नजर आते हैं। बहुत हंसी आई कि अरे इतनी मोटी सी बात समझ में नहीं आई तुमको, सैयद अब्दुल्ला तुमसे पहले थे या तुम सैयद अब्दुल्ला से पहले हो। तो ये अंदाज अव्वल तो ये कि इक्तबासात इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब महजबी ने, डॉक्टर महजबी ने अपना मजमून शुरू किया तो पहला जुमला उन्होंने यही कहा कि मैं इक्तबासात छोड़ दूंगी। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इन्होंने इस नुक्ते को पकड़ लिया और तालिबात की तरबियत के लिए जुमला कर रही है, और वाकई तरबियत के लिए रहा भी होगा, यकीनन रहा होगा। हम भी इक्तबास से काम लेते हैं, मकाले में हम भी इक्तबास नकल करते हैं, लेकिन कब करते हैं, जब हमें किसी अदीब से, किसी नक्काश से, किसी मुहक्किक से कंट्राडिक्ट करना होता है कि उन्होंने इस बात को ऐसे लिखा है लेकिन ये बात ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। तो हमें दलाइल से, आर्गुमेंट से साबित करना होगा कि कैसे वो बात सही नहीं हो कही हुई। तो हम अगर दलाइल से और माकूल दलाइल से कंट्राडिक्ट कर दें तो हमारा मकाला परफेक्ट होगा और इक्तबास का कोट करना भी सही होगा और मुनासिब होगा। तो प्लीज़ इस बात से ज़रूर बचिएगा, इक्तबासात नकल करने से परहेज करते हैं। ये तो वहाँ होता है ना जहाँ PhD के कारखाने खुले हुए हैं और किराए पे थीसिस लिखा जा रहा है जी, तो वो लेई कैंची करके यहाँ से वहाँ से नकल जमा करके और इक्तबासात हो करके इकट्ठा करके लेई कैंची की इस्तलाह उसके लिए सीजर एंड पेस्ट, वहाँ से काटा इक्तबास चिपका दिया, वहाँ से काटा चिपका दिया और फिर उसी की तशरीह कर दी। तो ये तो सरके के या बेगार में लिखे गए या किराए पे मजदूरी पे लिखे गए थीसिस में तो ठीक है, ओरिजिनल मकाला तो जब होगा जब आप अपनी मेहनत से उस टॉपिक पे, जिस टॉपिक पे लिख रहे हैं, उस टॉपिक को पढ़ें, फायदे से समझ लें, आपको खुद तबीयत आपकी मायल हो जाएगी, आपकी सलाहियत जो है खुद इतनी उभर के आएगी कि वो आपसे बेहतरीन मकाला लिखवा लेगी। ज़रूरी नहीं है कि आप हर महीने एक मकाला तैयार कर दें, साल में एक मकाला लिख लीजिए, दो साल पे एक मकाला लिख लीजिए, लेकिन मकाला ऐसा होना चाहिए जिस टॉपिक पे आपने मकाला लिखा उस टॉपिक को एग्जॉस्ट करने की कोशिश कीजिए कि अब आसानी से कोई दूसरा राइटर, कोई दूसरा मुहक्किक या नक्काश उस मौजू पे कोई इजाफा नहीं कर सके। अगर सैयद अब्दुल्ला सारी बातें कह चुके हैं, उन्हीं बातों को हम दोहरा रहे हैं, फिर हमारे मजमून की क्या रेलिवेंस है और क्या ज़रूरत है। सैयद अब्दुल्ला को पढ़ लेना चाहिए, इबादत पर रहती है तो हमें पढ़ लेना चाहिए। तो मकाला ऐसा होना चाहिए, ये चंद बात हो गई मकाले के सिलसिले में।
मुझे उम्मीद है आप जरूर इस बात का ख्याल रखेंगे, मकाला जामे और माने। अब आता हूँ मैं आज के सेमिनार के। जाहिर मैंने तो देखा कि हाथ की एक हाथ की कोई उंगली नहीं बची, अब बल्कि दूसरी की शुरुआत हो गई। और मुझे अंदेशा था कि कहीं ऐसा ना हो कि इसी सिचुएशन में कोर पे गिरना पड़े मकाला निगारों को और पेश किए गए मकालों को। लेकिन चलिए, साथ पे इकट्ठा हुआ और वक्त अच्छा खासा हो गया। 55 मिनट तो नहीं बना होगी कहिए तो अपने गुस्से को खत्म कर दूँ। क्या ख्याल है? तो ये सेमिनार बहुत उम्दा रहा, बहुत ही उम्दा रहा। और ये इजलास खासतौर से शुरू में तो मुझे लगा कि खवातीन बाजी मार ली गई और ये खवातीन ही का इजलास होगा, लेकिन मुझे ख्याल आ रहा था कि खवातीन का इजलास है तो हम सदूर की क्या जरूरत थी। खवातीन में से ही किसी को सदर भी बनाया जा सकता। अच्छा, दास्तानों में हमने पढ़ा था, तभी साहब ज़्यादा जानते हैं कि किसी मुल्क में नए बादशाह के इंतखाब की ज़रूरत होती थी तो शहर का सदर दरवाज़ा सुबह सुबह खोला जाता था और पहला बंदा जो नज़र आ गया, पहला आदमी जो नज़र आ गया सामने, बिल्कुल प्यादे उसको घर लाते थे और बादशाह बना देते थे। तो कल तो मैं सबके साथ आया था, आज भी हम देर से आए हैं और मैं पहली बार तो सबसे पहले तो इस हॉल में दरवाजे में दाखिल नहीं हुआ हूँ। आज मुझे क्यों सदर बना दिया गया? कल को ये काम मैंने कर लिया था दोनों सेशन में। बहरहाल इन लोगों की, मेजबानों की, मजहबी की और साबरा मैडम की, शमशीर साहब की, ये सब नवाजिश है। ये भी और नवाजिश नहीं बल्कि उसके मुस्तदाद है, ये एडिशनल नवाजिश है। इसको यूँ कहें अगर साहब की जबान में, तो मैं बहुत आप मुंतजमीन का तहे दिल से मशहूर हूँ। अब मशहूर का लफ्ज इस्तेमाल रहा बात जो सिता लोग हैं वो कम करते हैं, वो कहते हैं मुतशक्की हूँ। तो मैं यूँ कहता हूँ कि मैं भी आप हजरात का मुंतजमीन का तहे दिल से मुतशक्की हूँ, ममनून हूँ और मुतशक्की हूँ। आज के इस इजलास में जो मकाले पढ़े गए, की नोट एड्रेस के सिलसिले में मुझे ये अर्ज करना है, की नोट एड्रेस का उर्दू तर्जुमा है सही कलीदी खुदा, आप सब जानते हैं। और जहाँ तक मेरी नाकिस मालूम है, की नोट एड्रेस का मतलब ये होता है कि ताला लॉक कहाँ से खुलता है? की से खुलता है। तो मौजू को खोलना, की नोट एड्रेस का मतलब हुआ है कि जिस मौजू को की नोट एड्रेस दिया जा रहा है उस मौजू को खोलने के लिए वो चाबी का काम करेगा, कलीद का काम करेगा। और जब ताला खुल गया, दरवाज़ा खुल गया, तो इस दरवाजे में, इस हॉल में दाखिल होने वाले खुद ही देख लेंगे कि यहाँ क्या क्या सामान रखा हुआ है और सारे सामान का खुद ही जायजा ले लेंगे, जो उनके शोर भी छोड़ दीजिए। तो की नोट एड्रेस का मतलब यह है कि टॉपिक को खोला जाए, इंट्रोड्यूस किया जाए। अगर अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल करूँगा तो मैडम शायद हाथी दिखाई आई थी चली गई। हाँ, तो टॉपिक को खोला जाए, ओपन किया जाए, इंट्रोड्यूस किया जाए और उसके बाद से उसकी रेलिवेंस बताई जाए। कि आज के ज़माने में जो टॉपिक को लेके बैठे हैं दो दिन से, दूसरा दिन है, इसकी रेलिवेंस क्या है आज के ज़माने में? तो रेलिवेंस को खोला जाए और बताया जाए कि ये रेलिवेंस है और उसमें फिर किन किन आस्पेक्ट से बहस होनी चाहिए, किन किन मसाइल पे और किन किन पहलुओं पे हमें बहस करनी चाहिए, सवाल उठाना चाहिए कि किसी भी पर, लेकिन थोड़ी ही देर में, जैसे आसमान पर गर्द होती है आंधी की गर्द, जिस तरह से ऊपर उठती है उसी तरह से बहुत तेज़ी से और बहुत जल्द नीचे बैठ जाती है। तो बर्निंग टॉपिक पे लिखना और फौरन लिखना कोई बड़ा अदब, कोई बड़ा फनकारा क्रिएट नहीं हो सकता। ज़रूरी है कि उस मौजू को खुद अफसाना निगार ने ओढ़ना बिछोना बनाया हो, उस मौजू के साथ, उस वाक्य के साथ जिया हो, जिंदगी गुजारी हो। जब सभी रसाई साहब बता रहे थे सलमापा के हवाले से कि कृष्ण जब अंदर पसीने पसीने से, चाय ठंडी हो गई अंदर पहुँच पसीने पसीने से, और सलमा से देखने दरवाज़ा खोल के टोक दिया कि क्या बात है, सुन क्यों इतने पसीने पसीने उतर गए? तो ठीक है, तुमने सारा खेल बिगाड़ दिया हमारा।
हमारा किरदार सुसाइड करने जा रहा था और हम वो कैफियत अपने पे तारी करना चाहते थे, तो उन्होंने बिगाड़ दिया सब खेल ही कर दिया। तो अफसाना निगार या कोई भी राइटर हमारा किरदार का ये नहीं होना चाहिए कि आप इस टॉपिक पे लिखो और इस टॉपिक पे मत, ये बहुत ही बर्निंग टॉपिक है और ये बहुत रेलिवेंट टॉपिक है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत सारे बर्निंग और रेलिवेंट टॉपिक होता है, आप देख लीजिए या बहुत सारे वाकयात हैं जो जिन लोगों ने फौरी तौर पर अफसाना लिख दिया उनका अफसाना आज रद्दी की कोशिश में, और जिन लोगों ने बहुत गौर फिक्र के बाद 10 साल 5 साल के बाद उस टॉपिक के साथ जिंदा रहे, उस टॉपिक को सोचा, उस टॉपिक को अपने ऊपर ओढ़ा, उस टॉपिक की कैफियत को अपने दिल और दिमाग में बसाया है और उस शीजान से गुजरे, उनकी तहरीर देखी तो आप किस तरह का लिटरेचर जाते हैं। फौरी तौर पर लिखा हुआ अदब, आप यकीन मानिए मैं सीधे सीधे आज की दुकान में कह रहा हूँ, वो फास्ट फूड से ज़्यादा अहमियत नहीं है। फास्ट फूड इसको आप सीधी सीधी खाने पीने की दुकान में कर लीजिए तो उसकी अहमियत फास्ट फूड से ज़्यादा नहीं होगी। और फास्ट फूड आपको मालूम है क्या वैल्यू है? कुछ नहीं, वक्ती तौर पर थोड़ी देर के लिए आपकी भूख मिटा देगा लेकिन उससे आपकी जरूरत पूरी नहीं होगी। बहरहाल इस सेशन में जो मकाले पढ़े गए बहुत ही उम्दा थे और कई पहलुओं का इहाता किया गया। अब सबसे अलग अलग बात करना, उमर गजाली साहब आप शुक्र मनाइए, पैर मनाइए, ये दुबले पतले आदमी अगर मोटे ताजे होते तो बहुत मोटा चौड़ा बहुत भारी भरकम 50 पेज का मकाला लेके आते, तो ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। कबीर साहब का बहुत उम्दा मकाला था और ये बड़ी अच्छी बात है, नामे नेको रक्तगा जाया मकुंद। तो खैर अभी आपकी उस्ताद जिनसे पढ़ा, यहाँ उस्ताद थे कॉलेज में उर्दू के फिक्शन अफसाना निगार से उनसे पढ़ा, वो अभी अल्लाह उनको लिहाज से रखे सेहतमंद रखे अभी है वो, लेकिन बहरहाल यहाँ से इरादे से तो जा चुके हैं। तो उनकी नेकी को और उनकी अदबी खिदमात को कबीर साहब ने याद किया और उनसे बहुत उम्दा मकाला पेश फरमाया। मैं दाद देता हूँ कबीर साहब की तारीफ तो मैंने बहुत पहले सुनी थी और इनको देखने की और इनसे मुलाकात की खुशी आज मुझे पहली बार हासिल हो रही है। नागपुर में तो माफ कीजिएगा मेरा आपका साथ नहीं दे रहा है या उस वक्त ऐसी मन, हाँ ठीक याद आ गया। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत से लोगों से मुलाकात होती है और ऐसी मुलाकात होती है कि आदमी भूल जाता है। अब यही जैसे कितनी हैं 50-60 लड़के लड़कियां हैं, सबसे हमारी मुलाकात हुई ना तो हम कितनों को याद आती है, लेकिन ये बच्चे और बच्चियां सब हमको याद रखेंगे और कहीं भी हम टकरा गए तो ज़रूर हमको पहचान लें, अच्छा ये वही है जो सेमिनार में आए थे और बड़ी ख़राब तकरीर थी, बहुत ख़राब मसाला और 3 दिन तक जलाया था हर उसकी इजलास के यही सदर थे वगैरह वगैरह। इसका उन्वान है मेरे छोटे से मजमून का, 21वीं सदी की नुमाइंदा खवातीन अफसाना निगार एक जायदा। तो मेरा मारूजा ये है, अभी तो मैं ये कह रहा था कि मकाले के लिए ज़रूरी है कि वो जाने और माने हो, यानी जिस मौजू पे लिखा गया हो उसी मौजू के इर्द गिर्द घूमता हो उसी मौजू पे हो, गैर ज़रूरी बातें जो उस मौजू से मुतल्लिक हो उनका जिक्र नहीं हो, लेकिन मैं समझता हूँ और अपने मकाले के सिलसिले में कि कोई भी रिवायत जो ना अदखुद पैदा नहीं होती बल्कि पिछली रिवायतों की तौसी के तौर पर या पिछली रिवायत की या तहरीक की तरदीद के तौर पे जन्म लेती है। आप उर्दू की जितनी तहरीकें हैं उनको देख लीजिए, या तो उन्होंने सागता रिवायत की तौसी की है आगे बढ़े हैं उसको एक्सटेंड करते हुए या फिर उसको रिजेक्ट करते हुए आगे बढ़े हैं। तो हम अपनी सागता रिवायतों से जी नहीं चुरा सकते, उनको अवॉइड नहीं कर सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसी ख्याल के पेश नज़र अब जो कि ख़वातीन की बात हो रही है तो मैंने
अपनी तमहीद में ये उठाया है खवातीन के सिलसिले में कि हमारा फिक्शन कहाँ से, खासतौर से अफसाना खवातीन के सिलसिले में। आजकल तानवीसियत का और निसाई अदब का बड़ा बोल है ना, मैं असाज़ा सब जानते हैं। इस सिलसिले में दो बातें आपको लिया, शिमाली हिंद में उर्दू नस्ल की पहली किताब कौन सी है, करबल कथा है। करबल कथा के मुसन्निफ ने सीधे सीधे लिखा है कि नवाब साहब के यहाँ आशूरे की मुहर्रम की दस तारीख तक, मुहर्रम की पहली तारीख से आशूरे के दिन तक रोज मजलिस मुनक्किद होती थी और वहाँ मजलिस पढ़ी जाती थी, लेकिन फारसी में रौज़तुल शुहदा किताब थी, जैसे मिलादनामे वगैरह पढ़े जाते हैं बाद में मिलाद में, तो रौज़तुल शुहदा पढ़ी जाती थी जो फारसी में थी। वो किताब फारसी में ख़ास तौर से ख़वातीन की समझ में नहीं आती थी, तो मैंने सोचा कि इसको क्यों ना उर्दू में ढाल दिया जाए। अब आजकल तो बहुत से फेमिनिज्म की और इश्यूज की बात कर रहे हैं ना, वीमेन एम्पावरमेंट की बड़ा शोर है, बड़ा पैशन है, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है और इससे ही बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें निकल के आएंगी और इसके ज़रिए से हम अपने पुराने लिटरेचर को जो अपने 50 साल पहले लिखा गया उसको भी असिस्ट करेंगे और उसमें भी वो तानीसियत के अनासिर तलाश करेंगे, इस पहलू से भी मुतालिया करेंगे, तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। मैं इसकी मुखालफत में कोई राय देना नहीं चाहता, ये बहुत अच्छा मुताला है, इस एंगल से भी हम तानीसियत के एंगल से भी हमें अपने लिटरेचर को नसर और शायरी को फिक्शन को पढ़ना चाहिए। अच्छा है, तो आप ये देखिए कि फजली कह रहा है कि ख़वातीन की समझ में वो फारसी में पढ़ी जाती थी रौज़ा तो शोहरा को समझ में नहीं आती थी, इसलिए मैंने सोचा कि इसको उर्दू में ढाल दिया जाए और उसने उस जमाने के स्टाइल के लिहाज से उर्दू में ढाल दिया, उसका नाम करबल कथा रख दिया, है ना। तो शिमाली हिंद में जो उर्दू नसर की पहली किताब है वो ख़वातीन की रियायत से लिखी गई है। अच्छा, अब मैं बहुत ज़्यादा नहीं फैलना चाहता, अब आता हूँ सीधे सीधे, आधा सफा है तब मैं पढ़ लूँ। उर्दू फिक्शन के इस्तेमाल में ख़वातीन ने बहुत मुतहर्रिक और फ़ाल किरदार अदा किया है। ये बात भी बड़ी दिलचस्प है कि उर्दू का इब्तदाई फिक्शन ख़वातीन के लिए ही तख्लीक किया गया। नदीर अहमद के नावी मीरातुलरूज 1869 और बिनातुन्नाश 1872 लड़कियों की तरबियत और इस्लाह के मकसद से लिखे गए और उर्दू के पहले अफसाना निगार राशिदुल खैरी ने अव्वलीन अफसाना नसीर और खदीजा के उनवान से लिखा था, जो रिसाला मखज़न लाहौर दिसंबर 1903 में शाया हुआ और यही अफसाना उनके मजमुआ मसली हुई पत्तियाँ 1937 में शाया हुआ था, किस्मत को दिल्ली से मसली हुई पत्तियाँ, उनके मजमुआ मसली हुई पत्तियाँ में बड़ी बहन का खत के उनवान से शाया हुआ। इसी तरह उनका अफसाना नंद और भावच का खत के उनवान से भी है। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि उर्दू का पहला अफसाना भी तबके अनास के लिए लिखा गया था। इसके कुछ ही अच्छे बाद फिर ये हुआ कि ख़वातीन ने उसी ज़माने कलम संभाल ली और शिक्षण को नई जिहाद से रोशनास कराया। इब्तदाई दौर की ख़वातीन अफसाना नगारों में आप सब जानते हैं नज़रुल बाकी, जो नज़र सज्जाद हज़रत बाद में मशहूर हुई, अब्बासी बेगम और हिजाब इम्तियाज़ अली के नाम खुसूसियत से काबिल ज़िक्र हैं। हिजाब का अव्वलीन अफसाना मेरी ना तमाम मोहब्बत 1932 में उसी साल अंगारा में शाया हुआ था, 1932 में नए रंग ख्याल में शाया हुआ और उसी साल अंगारे की इशात से रशीद जहाँ का नाम भी एक चौंका देने वाली आवाज़ के तौर पर सामने आया। अब अंगारे के बाद से अब ख़वातीन खुद शिक्षण के मैदान में बाज़ाब्ता आ जाती हैं और नई घनगरज के साथ, नई आवाज़ के साथ। सभी साहब कल बात कर रहे थे, मैं सब छोड़ देता हूँ। मैंने तकरीबन 125 ख़वातीन अफसाना नगारों की फहरिस्त तैयार की और ये बहुत मुश्किल से तैयार हुई और इधर अब मैं सब छोड़ देता हूँ, मैं छोड़ता हूँ, हाँ आखिर पढ़ता हूँ। इधर 20 साल के अरसे में यानी 21वीं सदी के दो दहे में 2001 से 2022 अभी चल ही रहा है, तो इस दो दहे में 20-22 साल के इस 21 साल के अरसे में जो ख़वातीन हमारे यहाँ आई हैं
उर्दू अफसाने को उर्दू पे रोशन हुई उनमें तकरीबन एक हमारे आदाद शुमार के हिसाब से 38 खवातीन हैं। कुछ खवातीन इसमें ऐसी थी जो अल्लाह को प्यारी हो कोविड के ज़माने में या अपनी दराजी उम्र की वजह से, और कुछ खवातीन ऐसी हैं जो 2000 से पहले तक उन्होंने बहुत लिखा था लेकिन यानी 20वीं सदी के अख्तितान तक और 21वीं सदी के आगाज के बाद से उनकी इधर 20-22 साल के अरसे में कोई तहरीर कोई अफसानी मजमूआ सामने नहीं आया था। तो तकरीबन 40 इस 20 साल के अरसे में तकरीबन 40 खवातीन अफसाना नगारों को उन्होंने समेटने की कोशिश की है। अब आखिरी पैरा पढ़ता हूँ, आखिरी पेरिस भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जाहिर है बिला वजह आपकी समाज पर बार होगा। 21वीं सदी की खवातीन अफसाने नगारों की इस मुख्तसर से जायजे की रोशनी में ये कहा जा सकता है कि 20-22 साल के दौरान तकरीबन 40 खवातीन अफसाना नगार अपनी तकलीफी तवानाइयों के साथ सरगर्मियाँ मर गए। हम अफसाना नगारी की दुनिया में मर्दों की इतनी बड़ी तादाद दिखाई नहीं देती। खवातीन अफसाना नगारों के बारे में बड़ी आसानी से ये कह दिया जाता है कि इनके यहाँ मौजूदात का तनवु नहीं है और यकसानियत बहुत ज़्यादा है। ये बात किसी हद तक तो दुरुस्त है लेकिन ऐसा क्यों है हमें इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है। खवातीन अफसाना नगारों ने घरेलू जिंदगी के मसाइल पर ज़्यादा तवज्जो सर्च की है और जाहिर है कि मसाइल और उनके हल की शुरुआत पहले घर ही से होनी भी चाहिए, इसके बाद फिर माशरे और मुल्क कौम के मसाइल और मामला तक बात पहुँचती है। मर्दों की बेइतनाई, औरतों के जबरो इस्तेहसार, रिश्तों की शिकस्त रेव, खानदानों में बाहमी चपकलिश और कशीदगी, बुग़्ज़ हसद, अकदार की पामाली, लालच, अय्यारी, धोखा और फरेब, वादा खिलाफी, खुदगर्जी और मफाद परस्ती, माशी तंगी, गुर्बत और अफलास, ना आसूदगी, तबकाती कश्मकश, असबियत, लड़कियों की शादी, जहेज की लानत और इसी तरह के मसाइल बिलउमूम खवातीन अफसाना नगारों के यहाँ देखने को मिलते हैं और सबने अपने अपने रौकज़ और फनी शऊर के मुताबिक इन मसाइल को अपने बयानिए का हिस्सा बनाने की कोशिश की है। अब अगर शादी ब्याह के ही मसले को ले लीजिए तो जाहिर है कि चौथी का जोड़ा जैसे अफसाने की तकलीफ तो हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन यही क्या कम है कि खवातीन अफसाना नगार हमारी खानगी और माशरती ज़िंदगी के अहम मसाइल को अपने फिक्शन में जगह दे रही हैं ताकि पढ़ने वालों का काबीदा ज़मीर कुछ तो बेदार हो। मसाइल से मुतल्लिक बेदारी ही मसाइल के हल की अव्वलीन शर्त है और इस सिलसिले में खवातीन अपने हिस्से का फ़र्ज़ पूरी तरह से निभा रही हैं। खवातीन अफसाना नगारों की फनी तदाबीर, तकनीक और उसूल के हिस्से में ये कहा जा सकता है कि उन्होंने अलामत, तजरीद, शऊर की रौ, फ्लश बैक वगैरह वगैरह जैसी तकनीक के मुकाबले में सादा और सहल बयानी को तरजीह दी है। इस सिलसिले में अब हमें ये बात भी कहनी चाहिए, सभी साहब के सामने अर्ज कर रहा हूँ, कि प्रेमचंद के सादा और दिलकश बयानी की बादयाफ्त में हमारे अहद की बेशतर खवातीन अफसाने नगारों की ही कोशिशों का दखल ज़्यादा है। अनवर सज्जाद और नैयर मसूद जैसे फिक्शन नगारों के पेचीदा और तह दर तह बयानियों को समझने में आज का मसरूफ तारीख अक्सर मुश्किलों से दोचार होता है। ऐसी सूरत में हमें मासिर खवातीन अफसाना नगारों का सादा और दिलचस्प बयानियाँ ज़्यादा पुरकशिश और काबिल फहम महसूस होता है। इस लिहाज से हमें खवातीन अफसाना नगारों के तख्लीकी इम्कान से भी मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। बेहद शुक्रिया। नवाजिशों का आपने सुना और प्रचार हमारी फहरिस्त के बिल्कुल आखिरी मकाला नगार कहें या सदूर में से एक सदूर, सदर महतरम जो फिक्शन नाकिद का बड़ा नाम है
प्रोफेसर डॉक्टर सावीर इब्राहिम साहब, जिनका ताल्लुक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से है, मैं उनके हुजूर ये शेर पेश करना चाहूँगी कि आप अगर यूं ही चिरागों को जलाते हुए आए, हम भी हर शाम नई बस सजाते हुए आए। प्रोफेसर सावीर इब्राहिम, मैं बहुत देर से सोच रहा था कि तासुर कैसे बयान, बड़े सब्र से काम ले रहा था सादा साहबा के साथ। तकरीबन हमारी जो बच्चियां बैठी है चार साल, तकरीबन 43 साल पहले जब मैं एमए कर रहा था तो मेरा एक मजमून छपा और जिस वक्त रिसाला आया मेरे सामने, मेरे हाथ कांप रहे थे क्योंकि गया से वो रिसाला निकलता था आहंग और उसका मुदीर था कलाम हैदरी। हाथ कांपने की वजह यह थी कि उसने पहला मजमून मेरा शायर मेरा था और बाद में मेरे साथ था। ये कैसे हो गया? दो तीन दिन बाद शुभ्रे उर्दू में मेरे यहाँ सबसे पहले मेरे ही उस्ताद ने मुझे मुबारकबाद दी और असातिज़ा के सामने, उस्ताद थे प्रोफेसर शहरयार और पढ़ाते थे मुझे प्रेमचंद और मजमून था कफन पर जो आहंग में शाया हुआ था कलाम हैदरी का। उसी जमाने से फिर दोस्ती अब्दुल समद से, क्योंकि सबके उसमें मजमून छाया। यह है फरवरी 79। तो साहब, आज अगर हम ये कह दें कि आज बच्चों ने बाजी मार ली है तो कहीं बड़े नाराज ना हो जाए, अभी TDA भी नहीं मिला है और मुश्किल हो जाए। तो अब ये कहने के अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ कि मेरा अपना तासुर है कि मुझे छोटों के मजामीन बहुत अच्छे लगे। शाह साहब तो बड़े, उनकी मैं बात भी नहीं सुनता। मजमून है मेरा। देखिए कुछ और चीजें भी बता दें। मासिर उर्दू नावी हिंद इस्लामी तहजीब के तनासुर, कम से कम 40 मिनट का मजमून कंपोज किया हुआ है। ये साधा अपने बच्चों को बताना ये चाहता हूँ कि इसके लिए हमेशा होशियार रहो। ये मेरे उस्ताद मोहतरम काजी अब्दुल सत्तार बताते थे कि जब निकले हो मैदान में तो ऐसा ना हो कि सिर्फ चाकू लेके जाओ, हर तरफ से वो हो, एक फेल हो तो दूसरा। अगर ये कहा जाए कि नहीं तो आपके सारे पॉइंट्स उसमें हो कि आप वो पॉइंट्स 2 मिनट में पढ़ सकते हैं, 3 मिनट में या 4 मिनट में। 40 मिनट का इस मजमून को इसमें जैसे सेकंड में हम बता सकते हैं हिंद आर्याई तहजीब, हिंद ईरानी तहजीब और हिंद इस्लामी तहजीब, जिसको आपको ले और पढ़े। कल्चर कैसे एग्रीकल्चर में बदल गई, हमारी जरूरतें कैसे बदल गई, नफले मकानी कैसे, लिहाजा इसके ऊपर और इस पे क्यों रंग अरबी ईरानी और तुर्की का था और बुत परस्ती आतिश परस्ती वैदानियत कैसे थी, 8 सफ़े पे ये इसका पूरा है खत्म कर दिया। इस दौर में बयानिया की सतह पे क्या तब्दीली आई है और फिक्र की सतह पर, और मजमून मैंने देखे नहीं है इनसे मैं वाकिफ हूँ। मेरा दोस्त है गजाली, बहुत अच्छा मजमून पढ़ा और अच्छा हो सकता था। क्यों आपको, आप में से किसी की तरफ इशारा कर दूंगा तो नाराज हो जाएगा, रोज के सेमिनार में देखते रहते हैं और वैसे मैं उसका बहुत सख्त जवाब भी दे लेता हूँ, लेकिन अब सोचता हूँ वापस जाना हो ऐसा नहीं। बहुत अच्छे मजमून, बहुत बेहतरीन आप लेके चले, लेकिन ऐसे ही कि इसको मुख्तसर कैसे कर लें। और दूसरे ऐसे हम सुन रहे हैं फसादात, क्या चीज है फसादात, क्या है तकसीम। कल मैंने फौरी आपको एक अफसांचा सुना दिया था मंटो का, ये फसादात
अब आज के दौर में टॉपिक के लिहाज से अगर आपको लेना है जिस पर मैंने टेक्निक के एतबार से बात की है, तो तकसीम यकीनन बहुत बड़ा कर हम सब के लिए, हम सब हिंदुस्तानियों के बहुत बड़ा कर्ब, खास तौर से मुसलमानों के, उससे बड़ा कर्ब है तकसीम दर तकसीम जो 71 में पूरे फिक्शन को आप पढ़ डालिए, मंटो से लेकर इंतजार हुसैन तक सब मगरबी पाकिस्तान की बात करते हैं। 71 के बाद से जो शुरू हुआ है वो डायमेंशन तब्दील हुआ है और वो मशरकी पाकिस्तान का हुआ है। अब्दुस्समद हो, मुशर्रफ आलम ज़फ़री हो, गजम्फर हुए, जितने भी आज तक कौमी लखेदार हैं, अक्सरियत उसमें इस बात की है कि ये तो इन पर दोहरी मार पड़ेगी और ये जाने वाले मशरकी पाकिस्तान जाने वाले बिहार, झारखंड, बंगाल, आसाम, उड़ीसा है, ये गए वहां, लौट कर आए, वहां से भगाए गए, यहां बसाए नहीं, अपनों ने भी गले नहीं लगाया। इस कर्ज को हमारे आज के दौर के तमाम फनकारों ने महसूस किया है और अपने अपने साथियों से, अपने आइडियल से पेश किया है। इसमें कोई तख्सीस और तमीज हिंदू और मुसलमान की नहीं है। क्या लानत है लिसानियाती एतबार से, इलाकाई एतबार से, मजहबी एतबार से, मसलकी है तो मजहब जो बांग्लादेश हटाए गए थे, क्या मजहब की बिना पर हटाने वाला कौन, भगाने वाला कौन, मारने वाला कौन, कहां पर मसलक। कल पठानिस्तान मैंने इसीलिए अफसानचा सुनाया था, देखिए कितने। इसके अलावा आखिरी दौर में तब्दीली क्या आई है, बयानिया किस सतह पर, इस पर आपको गौर करना चाहिए, किस तरह का बयानिया है, दामाई टेक्निक। कल हमने एक शेर सुना दिया था और ये थी दामाई टेक्निक, आग है और आदिल राहीम है नमरूज है, तीन अलग अलग चीज है। विश मंथन देख लीजिए, तीन देवियों को ले किस तरह से पेश कर दिया गया आज के कर्म। जैसा भी किसी ने अशर नजमी के उसने कहा था कि जिक्र किया है, आज के कर्म को देख लिया जाए जिस टेक्निक से बयान और उस रूम में जो टेक्निक आई है, बराह रास्त बयान यानी डायरेक्ट टेक्निक कहां पर हो गया है, जिस पर शमलिया बिल्कुल अलग अंदाज में लेकर आए, बिलवास्ता बयानिया कहां पर है, हुसैनुल्लाह पर है, कोई जवाब नहीं उसका, उसका मुकाबला हुसैनुल्लाह का तो हम करेंगे बाद में, और भी कई नाम यहाँ के ऊपर है जिन्होंने कहानियां लिख दी है। खुद नविष्ठा बयान ये है आज के इस टाइप के ऊपर टेक्निक की गई है, दस्तावेजी बयान जिसको दिया है और इसको कैसे अलग किया गया है तजवीदी और खुद कलामी वजूदी इतिहास। मौजूदा सतह पे आप सब जिक्र करते रहते हैं, क्या इस्लाह पसंदी से जहां से अफसाना शुरू हुआ है, जहां से आपने बहुत खूबी से उठाया है, क्या आज खत्म हो गई इस्लाह पसंदी, साविया सोच अंदाज बदल गया है, रोमानियत समाजी वगैरह वगैरह आज के मौजू जो है जिन पर लिखा जा रहा है, अब दलित मसाइल भी पीछे चले गए, आदिवासी मसला भी पीछे आ रहा है, भारी समाज, भारी या जो भी भावी समाज कहते हैं, भारी समाज हमारे सामने है, एक और सब मसला पैदा होने वाला है जिस पर फनकार सोच रहा है, हिम्मत नहीं उठाने पा रहा है, वो है मुस्लिम दलित समाज। आप कहेंगे ये कौन से इस्लामी से गढ़ ली गई, कैसे, गौर कीजिए, घोसी, गद्दी, कसाई, चितवा,
सब आप से छीन लिए गए, माशरे ने छीन लिए, चरवाहा। अब उनके माश क्या है, रोजी रोटी का जिक्र क्या होगा, कैसे वो अपने और अपने बच्चों की परवरिश करेंगे, इस पर देखिए किस तरह से शब्बीर अहमद ने हाईलाइट कर दिया है। आज के ये नॉवेल है, दलित पे आपने सामने किया है, इसीलिए कि दो तीन मिनट में कैसे गजम सर ने दलित पे दिव्य वाणी में बेहतरीन काम किया, लेकिन इससे पहले भी लिखा गया है। महाराष्ट्र के इसने एक बार बताया दलित समाज क्या है, और इतने मजबूत अंदाज में बताया मराठी जुबान में हमने, तो उर्दू में उससे हमने लेना शुरू कर दिया। तो पैफूम जिस तरह से कभी किसी ने किया था, समीर रहमानी के तीनों नॉवेल आप देख लीजिए, बेहतरीन अंदाज से इस हिजरत दर हिजरत के तर्क को है। उसमें तो जाते जोड़ दिया है जो कावर पे हुआ है, वो क्या है आज के नहीं, अगर ये मसला और अंदाज भी उसका अलग है। निजाम जहिंदा आप देख लीजिए, दलित समाज आदिवासी पर बेहतरीन इस वक्त जो भी अपने आपको जिक्र किया है, इसके अलावा शफक सुपुरी नीलम 2016 में नॉवेल आया, हजूरामा शबीर मतलब भी हम जिक्र कर चुके हैं, और नॉवेल अभी आया। जुबान के एतबार से ये बहस बाद में आप उठाएंगे कि जुबान इसकी कमजोर है या कहां पर है, या मकामी जुबान को हाईलाइट कर सके या नहीं, वरना कहां पर करेंगे। सर्वप्रथम जब ले रही है तो किस तरह से उस मसाइल को ले रही है, बहुत कम मौजू क्यों ले लिया गया हमारे यहाँ, जब तो जिंदगी का मौजू होगा, खाली जावेद बहुत के मौजू से हटते ही नहीं, क्यों नहीं हटते, देखना है कि इस मौजू को किस तरह से इसी जमाने में कैंपस नॉवेल को अलग अलग जावियों से पेश कर दिया। बहुत पहले जहां से आप जिक्र कर रहे थे इंकलाब का एक दिन, प्रोफेसर जाहिदा जैदी का नाम है, लेकिन उसके आगे उसने जिस तरह से नस्तरन फतीही ने बयान कर